ये जो अपन जिन वाणी को हाथ जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? जिनेन्द्र भगवान का तो समझ में आता है इसलिए हाथ जोड़ते हैं, जिन वाणी के हाथ क्या जोड़ते हैं? क्या दिखता है जिन वाणी को? जिन वाणी में है देवशास्त्र तो है, लेकिन शास्त्र के हाथ जोड़ते ना अपने से, तो शास्त्र के हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्या बात है, शास्त्र की क्यों क्यों जोड़ते हैं? अरुण जी बताओ, नहीं पता क्या? शास्त्र के हाथ क्यों जोड़ते हैं रमेश जी? नहीं, क्योंकि उसमें शास्त्र के माध्यम से हमको थोड़ा ज्ञान होता है ना, आत्मा की बात मिलती है, तो हमने शास्त्र के हाथ क्यों जोड़े? किससे? हमें आत्मा की बात मिली। लेकिन मजेदार बात है, तू शास्त्र के हाथ ही जोड़ता है, उसमें जो बात मिली उसकी तो खबर ही नहीं है, तो फिर उसके हाथ जोड़ने की कीमत कहाँ रही? यार एक बार बताओ, आपका हम कोई हेल्प कर नहीं रहे और आप हमें जबरदस्ती में धन्यवाद देते रहो, तो कोई धन्यवाद का कीमत है क्या? अगर आप में से मैं आपसे कहूँ पंकल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप पूछोगे ना किस बात का? मैं कहूँ नहीं ऐसे ही बस, ऐसे कोई ऐसा धन्यवाद देता है? ऐसे ही तुम जिनवाणी के हाथ जोड़ते हो और जिनवाणी तुमसे पूछ ले किस बात के हाथ जोड़ रहे, क्या हो गया कि साहब आपने हमें आत्मा की बात बताई, तुम्हें खबर भी है, तुम्हारा उस तरफ ध्यान भी है, तुमने वो आत्मा देखा भी कि नहीं साहब? वो कुछ नहीं देगा, तो भर भैया जिनवाणी के हाथ कह रहे कि क्यों जोड़ रहे हो, क्या जरूरत है मेरे हाथ जोड़ने की अंदर? क्योंकि वो तो पुद्गल है ना प्योर, आप सही समझ में आया? देखो भगवान तो क्या है कि जड़ नहीं है, भगवान तो चेतन है, और एक चेतन दूसरे चेतन के सामने झुके चलेगा, नहीं समझ में आया? क्योंकि भाई अच्छा काम कर दिया चेतन ने तो चलो आई, आप बड़े भैया हमारे, लोग में भी चलता है ना, पिताजी के पैर छूते हैं, खंबे के पैर तो नहीं छूते, समझ में आया? घर के पैर तो नहीं छूते ना कोई, तो ऐसे ही जिनवाणी तो प्योर जड़ है, पुद्गल, ये तो पुद्गल है ना, इसी कागज पे तुम गालियां भी छाप सकते, उसमें है क्या? लेकिन इसके पैर छूते हैं, छूते कि नहीं छूते? तो जिनवाणी कहती है कि भैया मेरे पैर छू रहे हो तो पहले ये बताओ क्यों छू रहे हो? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, सोचो बात, किस किस के उत्तर हमारे पास नहीं है?